दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि सोन काफी दिनों से गुल्ली बुल्ली के घर नहीं आया है और काफी ट्राई करने पर फोन भी नहीं लग रहा है। गुल्ली बोलता कि सोन जिंदा भी है या मर गया। तभी बुल्ली बोलता है मुझे तो लगता है कि गुल्ली सोन ने शादी कर लिया है और हमें दावत देने के डर से हमें फोन ही नहीं कर रहा है और हमारे घर भी नहीं आ रहा है। गुल्ली बोलता कि एक बार अगर सोन हाथ में आ गया तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। गुल्ली बोलता चलो मन नहीं लग रहा, चलो वो टीवी ही देख लेते हैं। बुल्ली टीवी चालू कर देता है और दोनों मजे से टीवी देखने लगते हैं। दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस न्यूज चैनल पर। दोस्तों अगर आपको चैन से सोना है तो मच्छरदानी लगाओ वरना नींद की गोली खाओ, क्योंकि अपने शहर में एक ऐसे बुड्ढा बुड्ढी घूम रहे हैं जो बच्चों को मार मार के उसका हालत खराब कर देते हैं। यही है वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी, इसने अभी हाल ही में एक बच्चे को किडनैप कर लिया है। इसके माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर रही क्योंकि पुलिस भी उस दोनों के घर में जाने से डरती है क्योंकि उसके घर में जो भी गया है वो कभी जिंदा लौट के नहीं आया है। तो दोस्तों कौन बचाएगा इस बच्चे को, किस में है दम? तो हमारा धाकड़ न्यूज यहीं पे हुआ खत्म। गुल्ली बोलता है ये तो सोन है। बुल्ली बोलता है तभी तो सोन इतने दिनों से नहीं आ रहा, लगता है इतने दिनों से ग्रैनी ने उसे पकड़ के रखा था। गुल्ली बोलता तुम टेंशन मत लो सोन, हम आ रहे हैं। तभी बुल्ली बोलता कि हम दोनों उस ग्रैनी ग्रैंडपा का सामना नहीं कर पाएंगे। गुल्ली बोलता कि हम दोनों अकेले कहाँ है, हमारे साथ बाबा है ना। गुल्ली बुल्ली को बोलता है जल्दी से बाबा के पास फोन लगाओ और बुल्ली फोन लगाने लगता है लेकिन बाबा का तो यहाँ नॉट रीचेबल फोन नंबर आ रहा है। गुल्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाता है क्योंकि हर बार बाबा को जब जरूरत पड़ती है तो बाबा होते ही नहीं है। बुल्ली बोलता कोई बात नहीं गुल्ली, मैं बाबा को मैसेज डाल देता हूँ कि हम दोनों ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास जा रहे हैं, बाबा आप ये मैसेज पढ़ के जरूर आइएगा। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली दोनों तैयार हो जाते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा के घर पे जाने के लिए। लेकिन ये क्या, बुल्ली तो हाथ में तमंचा लिया हुआ है। गुल्ली बोलता तुम ये बंदूक क्यों ले लिए हो बुल्ली? बुल्ली बोलता कि हमें जरूरत आगे पड़ सकती है क्योंकि हम लोग एक बहुत ही खतरनाक घर में जा रहे हैं। गुल्ली बोलता इसकी ऐसी कोई जरूरत तो है नहीं क्योंकि हमारे साथ बाबा है और बाबा तो मैसेज पढ़ते ही थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। गुल्ली बोलता है मेरा मन नहीं मान रहा, मैं फिर भी बंदूक लूंगा। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है गाड़ी निकाल रहे। दोनों अपने स्कूटर से निकल जाते हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर। बुल्ली गुल्ली से बोलता है गुल्ली हमें बाबा के साथ ही जाना चाहिए, अगर हम दोनों गए तो हम लोग मर भी सकते हैं। गुल्ली बोलता है तुम मुझे जानते नहीं हो बुल्ली अच्छी तरीके से, मैं भी किसी बाबा से कम नहीं हूँ, मैंने अकेले ही अच्छे अच्छों को धूल चटाया है। गुल्ली बोलता है स्टार्ट हो गया फेकू। गुल्ली बोलता है तुम्हें पता है बुल्ली एक बार क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज में था तभी ही एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ गया था, मैंने अकेले ही उस एनाकोंडा से लड़ लिया और उसी एनाकोंडा के मार के उसका मीट बना के पूरे कॉलेज वाले को खिलाया था और उस एनाकोंडा के खाल से मैंने चड्डी बनाई थी जो कि चड्डी मैं आज तक पहनता हूँ। बुल्ली गुल्ली को बोलता तू अपना मुंह बंद कर फेकू चंद, तेरे कॉलेज में तो मैं भी पढ़ता था, कभी एनाकोंडा नहीं आया। थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली अपने स्कूटर को साइड में लगा देता है। गुल्ली बोलता आ गया हमारा शिकार का घर, चलो अब अटैक करते हैं। तभी वहां पर एक बाइक की आवाज आने लगती है, दोनों गुल्ली बुल्ली वहां पर छिप जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो अपना जेफ द किलर है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जेफ ग्रैनी के घर के दरवाजा को खटखटाता है, अंदर से ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली ये नजारा तो दूर से ही देख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं क्या ये तीनों बात कर रहे हैं। ग्रैनी बोलती है आ गए बेटा जेफ, बेटा जेफ आ गए। जेफ द किलर बोलता है पहले तो तू अपना चश्मा लगा के मुझसे बात किया कर अंधरी। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं जेफ मैंने तुम्हें यहाँ पर खास करके बिरयानी बनाने के लिए बुलाया है क्योंकि हमारे पास एक बंदा है उसको काट छाट के बिरयानी बनाना है। दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है शायद जेब पहले तंदूरी होटल में काम किया करता था और जेब बिरयानी बहुत ही अच्छा बनाता है। जेब बोलता है इसकी टेंशन तुम मत लो, बिरयानी बहुत ही जायकेदार बनेगा। ग्रैनी बोलती है बेटा बेटा बिरयानी तनी गला देना, दांत मेरा नहीं है चिवाए में नहीं बनता है। जेब बोलता है पहले इस बुढ़िया को मेरे सामने से हटाओ, मुंह महकरा बरस लगता नहीं की है। तीनों लोग घर के अंदर चले जाते हैं और बुल्ली बोलता है बुल्ली से बुल्ली अभी हम लोग दरवाजे के रास्ते से नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग दरवाजे के रास्ते से गए तो हम लोग जिंदा लौट के नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जेब द किलर भी आया हुआ है। बुल्ली बोलता कुछ दिमाग लगाओ गुल्ली,
यहाँ से हम लोग कैसे अंदर जा सकते हैं? गुल्ली अपने चारों तरफ देखने लगता है, उसे सामने एक सीढ़ी दिखता है, बोलता है अगर इस सीढ़ी के सहारे हम लोग बालकनी के ऊपर चढ़ सकते हैं। दोनों गुल्ली बुल्ली सीढ़ी के पास चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली तुम यहीं पे रहो और मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम मुझे फोन करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। बुल्ली बोलता, ठीक है गुल्ली तुम ऊपर चले जाओ, मैं यहीं पर खड़े होकर नजर रखता हूँ। गुल्ली धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ के अंदर बालकनी में पहुंच जाता है और फिर वो अंदर चला जाता है। और इधर बेचारा बुल्ली चारों तरफ नजर रखने में व्यस्त है। जब बुल्ली अंदर जाता है तो अंदर कोई भी नहीं होता है। गुल्ली कमरे से बाहर आता है और फिर वो ऊपर दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं रहता है। उसके बाद फिर वो बाथरूम में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं दिखता। गुल्ली बोलता, भी मैं बाथरूम में आ गया हूँ तो हल्का हो ही लेता हूँ, फिर कभी मौका मिले या ना मिले। गुल्ली बाथरूम में हल्का होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में गुल्ली हल्का होकर बाहर आता है और फिर वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है। गुल्ली को काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं कोई ग्रैनी ग्रैंडपा ने देख लिया तो वो फिर बच के जिंदा नहीं जा पाएगा। गुल्ली धीरे धीरे किचन में जाने लगता है, लेकिन किचन में जाके देखता है कि वहाँ पर जेब खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। गुल्ली ये देख के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन दोस्तों ग्रैनी और ग्रैंडपा ने तो यहाँ पर ट्रैप बिछाया हुआ है। गुल्ली जहाँ पर से भागता है वहीं पर जमीन पर एक रिबन साटा हुआ, जिस पर कोई भी पैर रखता है तो घंटी बज जाता है, और गुल्ली ने उस पर पैर रख दिया है और घंटी भी बज चुका है। ग्रैनी ग्रैंडपा को पता चल गया है कि हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आया हुआ है। ग्रैनी ग्रैंडपा घर में दौड़ लगा देते हैं, गुल्ली तो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक कवेट के अंदर छुप जाता है, और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा जेब के पास आ चुकी है। ग्रैनी जेब से बोलती है, हमारे घर में कोई आया है, तुमने देखा है क्या? तो जेब बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे खाना बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे घर के रखवाली करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ग्रैंडपा जेब को मार देते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा को जड़ा सा भी बिल्कुल पसंद नहीं कि ग्रैनी को कोई ऊंची आवाज में बात करे। और ग्रैंडपा बोलते हैं, आइंदा मेरे वाइफ से ऊंची आवाज में मत बात करना, वरना बिरयानी में तेरा ही बना के खा जाऊंगा। ग्रैनी बोलती है, हमारे मर्दबा बहुत ही ताकतवर है, हमको से ऊंची आवाज में बोलेगा तो हमारा मर्दबा बहुत मारेंगे। ग्रैनी और ग्रैंडपा फिर से घर में इधर उधर खोजने लगते हैं गुल्ली को, लेकिन जेफ ने इधर फैसला कर लिया है कि खाने में जहर मिला के ये दोनों को मार दिया जाए, क्योंकि जेफ की बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि ग्रैंडपा ने जेफ को एक थप्पड़ मार दिया है। जेफ बोलता है, मैं इसके खाने में जहर मिला दूंगा, लेकिन जहर तो मेरे घर है, घर जाकर जहर लाना पड़ेगा। जेफ अपने घर को निकल जाता है अपने घर से जहर लाने के लिए, लेकिन घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है बुल्ली सीढ़ी के नीचे खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है, और जेफ बुल्ली को देख भी लेता है। बुल्ली थोड़ा मोटा दिमाग का है, वो दौड़ के जाता है और बगल के डिब्बे पे ही छुप जाता है, लेकिन इस बुल्ली वेबकूक को जड़ा सा ही पता नहीं कि जेफ उसे आसानी से खोज लेगा। जेफ बुल्ली के पास चला जाता है, बुल्ली का डर के मारे तो पसीना छूट रहा है। जेफ बोलता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी ग्रैनी ग्रैंडपा के घर, जानते हो इस घर में जो कोई आजकल गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया है। बुल्ली बोलता, मेरा दोस्त सोन इस घर में कैद है और मेरा दोस्त गुल्ली उसे लाने गया है। जेफ बोलता, क्या तुम्हारा एक दोस्त का नाम सोन है? बुल्ली बोलता है, हाँ मेरा दोस्त का नाम एक सोन है जो कि अंदर फंसा हुआ है। जेफ बोलता, आज उसी का ग्रैनी और ग्रैंडपा मुझसे बिरयानी बनवा रहे हैं, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा का शादी का एनिवर्सरी है, अब तो सोन को मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। बुल्ली जेफ से बोलता है, हमारी मदद कर दो, सोन को वहाँ से छुड़ाने में हमारी हेल्प कर दो प्लीज। जेफ थोड़ी देर सोचता फिर बोलता कि चलो, ऐसे भी आज मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को जहर देके मारने वाला हूँ। जेफ द किलर बोलता है, अगर हम दोनों को ग्रैनी और ग्रैंडपा को मारना है और गुल्ली और सोन को बचाना है तो हमें घर के अंदर जाना ही होगा। बुल्ली भी फॉर्म में आ जाता है और वो जेफ से बोलता, अभी चलो इस घर के अंदर, साले को घर में घुस के मारेंगे। जेफ और बुल्ली घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली बोलता कि सारे लोग गए तो गए कहाँ? जेफ बोलता कि मुझे पता है ये सारे लोग कहाँ पर है, इस घर के बेसमेंट में, क्योंकि वहीं पे सोन को बेहोश करके रखा गया है। बुल्ली बोलता, तो देर किस बात की, चलो जल्दी से हम लोग भी बेसमेंट में चलते हैं। जेफ और बुल्ली बेसमेंट में जाने लगते हैं, इधर तो ग्रैनी की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। ग्रैनी की ऐसी डरावनी आवाज सुन के बुल्ली तो डर जाता है, और फिर वो जेफ से बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है जेफ। जेफ बोलता कि ये वक्त डरने का नहीं है बुल्ली, और फिर जेफ नारा लगाने लगता है, गुल्ली बुल्ली मत डरो हम तुम्हारे साथ हैं, गुल्ली बुल्ली मत डरो हम तुम्हारे साथ हैं। जेफ की आवाज सुन के गुल्ली भी डर जाता है, क्योंकि गुल्ली भी वहीं पर लुका हुआ है, लेकिन गुल्ली बाहर नहीं आता।
बुल्ली तो सिर्फ एक सही समय का इंतजार कर रहा है। तभी ग्रैनी बुल्ली और जेब के सामने ही आ जाती है। बुल्ली बोलता कि शिकार खुद शिकारी के पास आ गया है। ग्रैनी बोलती है कि अभी हमारे हस्बैंड सुसु करने के लिए ऊपर गए हुए हैं, अगर वो आ गए तो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुल्ली बोलता है कि मेरा दिमाग मत सटका, अगर वो बुड्ढा आ गया तो मैं उसके मुंह में ही सुसु कर दूंगा। और फिर जेब तमंचा निकाल देता है और ग्रैनी पे तान देता है। बुल्ली बोलता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ग्रैनी हंसने लगती है, लगता है कि जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। जेब बोलता है कि इसे टपका जल्दी से बुल्ली, ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। बुल्ली बोलता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तुझे गोली मार दूंगा। जेब बोलता है कि देर मत करो बुल्ली, जल्दी से मार दो गोली और यहां से चलो। तभी पीछे से ग्रैंडपा की एंट्री होती है और वो जेब पे चाकू से वार करने लगते हैं। जेब वहीं पे गिर जाता है। तभी बुल्ली जब पीछे देखता है तभी ग्रैनी उसके हाथ से बंदूक को छीन लेती है। अब तो बेचारा बुल्ली अकेला पड़ गया, क्योंकि जिस जेब के भरोसे बुल्ली आया था वही दांत चियार दिया है। ग्रैंडपा बोलते कि कोई भी मेरे पत्नी से ऊंची आवाज में बोल दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुमने तो मेरे पत्नी पे बंदूक ही तान दिया है, अब तेरा क्या होगा कालिया। बुल्ली भी रोने लगता है और ग्रैंडपा और ग्रैनी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि ग्रैनी जिस बंदूक से तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था ये नौजवान, उसी बंदूक से इसकी खोपड़ी उड़ा दो। ग्रैनी बोलती अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, बाय बाय बुल्ली। और फिर ग्रैनी गुल्ली पे बंदूक तान देती है और वो गुल्ली जैसे ही चलाने वाली होती है तभी वहाँ पे गुल्ली की एंट्री हो जाती है। गुल्ली आते के साथ ही ग्रैंडपा को लतिया देता है और फिर गुल्ली भी ग्रैनी को लतिया देता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अभी सोन को बचाने ज्यादा जरूरी है अपनी खुद की जान बचाए। दोनों छत पे चले जाते हैं और दोनों बेड के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब बुल्ली ग्रैनी को ढकेला था तो ग्रैनी का सर वहीं पे फट गया था और काफी ज्यादा खून निकल रहा है। ग्रैंडपा ग्रैनी को पहले संभालते हैं और उठाते हैं। बोलते हैं कि अब वो दोनों बचेंगे नहीं, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर ग्रैनी जोर जोर से रोने लगती है और गुल्ली बुल्ली को बद्दुआएं देने लगती है। ग्रैंडपा बोलते कि तुम रो मत ग्रैनी, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं दिख रहे, मेरा मतलब है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ग्रैंडपा ग्रैनी को उठाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली को खोजने के लिए ऊपर चले जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों गुल्ली बुल्ली को खोज ही रहे होते हैं। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा से बोलती है, सुनो न जान, मुझे बहुत जोर की आई है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ग्रैंडपा को ये सुन के ग्रैनी पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ग्रैंडपा भी अपनी गुस्सा ग्रैनी पे निकाल देते हैं। खाली खाओ भागो, खाओ भागो, खाओ भागो। आती हूँ ना 2 मिनट में मैगी बनाकर। इधर ग्रैनी गुसल खाने में चली जाती है और इधर ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली को पागल कुत्ते की तरह खोज रहे हैं। ग्रैंडपा ऊपर खोजने के बाद ग्रैंडपा नीचे चले जाते हैं खोजने के लिए और इधर गुल्ली बुल्ली कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर वो ग्रैनी के घुसल खाने के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। बुल्ली बोलता है अरे अंदर तो फायरिंग हो रही है। तभी बुल्ली बोलता है लगता है कि ग्रैनी ने झाल मुरी खा लिया था इसलिए अंदर झाल बज रहा है। गुल्ली बोलता है यही सही समय है बुल्ली, मार के टूट दिया जाए यहीं पे ग्रैनी को, क्योंकि ये ग्रैनी अकेले में कभी नहीं धराएगी। फिर गुल्ली बुल्ली दोनों ग्रैनी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ग्रैनी जैसे ही घुसल खाने का दरवाजा खोलती है दोनों गुल्ली बुल्ली ग्रैनी पे टूट पड़ते हैं। गुल्ली ने तो ग्रैनी का मुंह ही बंद कर दिया है और इधर बुल्ली ग्रैनी पे मुक्कों की बारिश करना चालू कर दिया है। गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को इतना मारते हैं कि ग्रैनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी गुल्ली को किसी के चलने की आवाज आने लगती है, लगता है कि ग्रैंडपा ऊपर आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो। गुल्ली दौड़ कर जाता है और घुसल खाने का दरवाजा बंद कर देता है। ग्रैंडपा घुसल खाने के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते ग्रैनी तुम्हारा हो गया क्या, 2 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं और अभी भी तुम अंदर हो। गुल्ली बुल्ली का अंदर अभी डर के मारे हालत खराब है। अगर ग्रैंडपा ने ग्रैनी को इस हाल में देख लिया तो ग्रैंडपा को काफी तेज गुस्सा आएगा, जिससे कि गुल्ली बुल्ली को भी गुस्से में मार सकते हैं। बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया सूझता है, वो ग्रैनी की आवाज में बोलता है, हाँ टकलू जान बस 2 मिनट में आती हूँ टकलू। ग्रैंडपा बोलते है मुझे टकलू मत बोलो, मेरे सर पे बाल नहीं है लेकिन मेरे
दिल बहुत बड़ा है। टकलू 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 टकलू। ग्रैंडपा हंसते हंसते नीचे चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से बोलता, वाह बुल्ली, क्या तुमने दिमाग लगाया है, और अब इस ग्रैनी का क्या किया जाए। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने हमारे सोन को और हमें भी काफी ज्यादा तंग किया है, अब हमें भी इसे सबक सिखाना है, इसे भी कुछ ऐसी सजा दो जो कि ये सब जिंदगी भर ना भूले। गुल्ली बोलता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। Psych, that's the wrong number. अरे ये क्या किया गुल्ली बुल्ली ने। गुल्ली बुल्ली ने तो ग्रैनी को टॉयलेट के अंदर ही मुंह घुसा दिया है। और इधर गुल्ली बुल्ली बेसमेंट के नीचे जाने लगते हैं सोन को खोजने के लिए। तभी एक बार फिर से ग्रैंडपा ग्रैनी को देखने के लिए आते हैं। ग्रैंडपा देखते हैं कि टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ है। ग्रैंडपा सीधे अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद ग्रैनी का ये हाल देख के ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ग्रैंडपा की आंखें लाल हो जाती है। अब लगता है कि ग्रैंडपा का भी स्ट्रीम मूड ऑन हो गया है। ग्रैंडपा ग्रैनी के पास जाते हैं और उसे टॉयलेट के अंदर से मुंह बाहर निकालते हैं। ग्रैंडपा ग्रैनी से बोलते हैं, ये तुम्हारा हाल किसने किया ग्रैनी, मुझे एक बार बता दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैनी बोलती है, टकलू कुमार, मेरा ये हालत गुल्ली बुल्ली ने किया है। उन दोनों ने मुझे बहुत मारा, जूतों से मारा, घूसों से मारा, लातों से मारा, जूतों से मारा। ग्रैंडपा बोलते कि तुम चिंता मत करो ग्रैनी, मैं तुम्हारी ये बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं और वो नीचे गुल्ली बुल्ली को खोजने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी नीचे से गुल्ली बुल्ली बेसमेंट से सोन को कंधे पे लेकर बाहर निकलता है। दोस्तों अब तो गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी ग्रैंडपा का आमना सामना हो गया है। यानी गुल्ली बुल्ली को देख के रोने लगती है। यही वो शख्स है जिसने मुझे बहुत मारा, टकलू मुझे बचा ले टकलू। तभी ग्रैंडपा बोलते, ग्रैनी तुम रो मत, मैं इसका बदला लूंगा, अभी तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तभी गुल्ली बोलता, हमें यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा ग्रैनी और ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोलते, मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा, अब यहाँ पे सोन बिरयानी ही नहीं बल्कि गुल्ली बुल्ली कबाब भी बनेंगे। गुल्ली बोलता है, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा ग्रैनी और ग्रैंडपा। ग्रैनी ग्रैंडपा के सामने और रोने लगती है। टकलू, इसे छोड़ना मत टकलू, इसने मुझे टॉयलेट में मुंह घुसा के मारा टकलू। ग्रैंडपा बोलते, अपने कुत्ते जैसा मुंह मत फाड़ के रो यहाँ पे मेरे सामने। तभी गुल्ली बोलता कि ये सब लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे बुल्ली। तभी बुल्ली सोन को ग्रैनी ग्रैंडपा पर फेंक देते है। तेरा भूतनी का लट। बुल्ली ने ये क्या कर दिया, बुल्ली ने तो सोन को ही ग्रैनी ग्रैंडपा पर फेंक के मारा है। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों की आंखें लाल हो गई है। लगता है कि कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है दोनों को। ग्रैंडपा ग्रैनी से बोलते हैं, मेरा बंदूक दो। ग्रैनी बोलती है, अभी मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। थोड़ी देर में ही ग्रैनी ग्रैंडपा को अपना शॉटगन दे देते हैं और फिर ग्रैंडपा शॉटगन लेके बेसमेंट में घुस जाते हैं। और इधर ग्रैनी ने सोन को कंधे पे लेके बेसमेंट में वो भी पीछे से आ गई है। तभी ग्रैंडपा बेसमेंट के बीच में खड़े होके बोलते, तुम लोग जहाँ भी छुपे हुए हो हमारे सामने आ जाओ वरना मैं इस सोन की हड्डी तोड़ दूंगा और इसे गोलियों से भूंज दूंगा। गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा ढीठ है, वो एक बार में कहां सुनने वाले हैं। तभी ग्रैंडपा हवा में एक बार फायरिंग कर देते हैं जिसके डर के मारे गुल्ली बुल्ली खुद पे खुद बाहर आ जाते हैं। तभी ग्रैनी बोलती है कि आ गए हमारे शिकार, अब हम कर देंगे चीड़ फाड़। तभी गुल्ली बोलता है कि तुम्हें क्या लगा हम तुम दोनों से डर के बाहर आए हैं, पहले ध्यान से सुनो, कुछ आवाज सुनाई दे रही होगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ मुझे पागल कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। तभी गुल्ली बोलता, वो पागल कुत्ता कोई आओ नहीं बल्कि हमारे बाबा है। तभी बाबा अपनी बाइक से बेसमेंट के अंदर ही आ जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये बुढ़ाओ हमको मारेगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों हंसने लगते हैं। तभी बाबा बोलते हैं कि तुम्हें मैं यहाँ नहीं बल्कि बाहर मारूंगा, तुम सब बाहर चलो। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, बाहर क्यों बेटा, बाहर लैकन बुलाइले है का। बाबा बोलते, मैं अकेले ही 100 लैकन के बराबर हूँ, पहले तुम बाहर तो चलो। सारे लोग बाहर आ जाते हैं। बुल्ली बोलता, बाबा ये दोनों को छोड़ना मत, ये दोनों सोन को बहुत तंग किया है और हमें भी बहुत तंग किया है, और देखो अभी भी ग्रैनी सोन को अपने कंधे पे रखी हुई है। बाप बोलते हैं, सोन को हमारे हवाले कर दो। ग्रैनी बोलती है, सड़ियल को रखना ही कौन चाहता है, ये ले, और फेंक के बाबा को ही मार देती है।
सोन जमीन पे गिरता है, जिससे कि बाबा को और गुस्सा आ जाता है। बाबा की आंखें दोनों लाल हो जाती है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। तभी बाबा अपनी आंखों से लेजर बीम निकालते हैं। वो लेजर बीम सीधा ग्रैनी से जाकर टकराती है, जिससे ग्रैनी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। ग्रैंडपा बोलते, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे। ये ले, मैं तुझे सारे बंदूक की गोली तेरे शरीर में उतार दूंगा। ग्रैंडपा बाबा में पूरी बंदूकों की फायरिंग करना चालू कर देते हैं, लेकिन बाबा का शरीर तो फौलादी है, बाबा को तो कुछ नहीं हुआ। बाबा बोलते हैं, ये मजदूर का हाथ है तातिया, लोहा का आकार बदल देता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, अभी मैं तुम्हारा आकार बदल दूंगा, और ग्रैंडपा बाबा पर हमला कर देते हैं। ए मां, ए मां, शक्ति देना मां, मैं तुझे बोल। दोनों में मारा पीटी चालू हो जाता है। ग्रैंडपा बाबा पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाबा ग्रैंडपा को लुटा लुटा के मारते हैं। थोड़ी देर में ही ग्रैंडपा टे बोल देते हैं। अब बाबा का गुस्सा ठंडा होता है, बाबा की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। अभी गुल्ली बोलता है, सोन बाबा, सोन को कौन ठीक करेगा, तेरा बाप। बाबा हवा में हाथ घुमाते हैं और सोन वहीं पे खड़ा हो जाता है। तभी गुल्ली बोलता है, जेब द किलर को भी जिंदा कर दो बाबा, क्योंकि जेब द किलर भी हमारा अच्छा दोस्त है और उसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है। बाबा बोलते, जेब द किलर कहाँ है? सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं, बोलते यही है जेब द किलर। बाबा बोलते, अरे जेब द किलर तो मर चुका है और मरे हुए लोगों को कोई जिंदा नहीं कर सकता है, मैं तो सिर्फ इलाज कर सकता हूँ। बाबा बोलते, इसका शमशान घाट जाने का तैयारी करना चालू कर दो। ये लोग जेब द किलर को लेकर अपने घर आ जाते हैं और शमशान घाट में जाने की तैयारी करना चालू कर देते हैं। सारे लोग रोते भी बहुत हैं। माहौल थोड़ा दुख भरा हो चुका है दोस्तों, आपको भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि जेब अब हमारे बीच नहीं है। गुल्ली बुली काफी ज्यादा रो रहे हैं और बाबा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, और अपना पॉटी बॉय सोन भी काफी ज्यादा दुखी है। तभी सोन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। बाबा बोलते, संभालो सोन अपने आप को, जो भी इस दुनिया में आया है उसको तो दांत चियारना ही है, चाहे मैं रहूं या तुम, हम दोनों को आज न कल तो मरना ही होगा। चुप, बाबा का तो मुंह लटक गया है। तभी बुल्ली बोलता है, मैं जेफ की मैयत में कुछ मुजरा पेश करना चाहता हूँ। बाबा बोलते, तो देर किस बात की, चलो शुरू हो जाओ, जेफ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। गुल्ली का ऐसा डांस देख के बाबा भी जोश में आ गए हैं, बाबा भी घुस के नाचने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, मुझे लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं। तभी गुल्ली बोलता है, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। थोड़ी देर में ही सारे लोग कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और रुकिए दोस्तों, ये एक शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं, तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।